नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में। मैं आपके साथ सिमरन। चलिए सुनाते हैं आपको आज के रेडियो बुलेटिन्स। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ सरकार और चुनाव आयोग को प्रदेश में जल्द नगरीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोरोना और फिजूल खर्ची रोकने के लिए भोपाल में मुस्लिम समाज ने बड़ा फैसला किया है। मस्जिद कमेटी के शादियों में ढोल नगाड़े, आतिशबाजी, डीजे और पटाखों पर पाबंदी लगा दी है। बैठक में तय किया गया कि जिस घर में धूमधाम से शादी होगी वहां काजी निकाह नहीं पढ़ाएंगे। इंदौर की जनता दोहरी मार झेल रही है। यहां घरेलू गैस सिलेंडर और बस का किराया बढ़ा दिया गया है। फरवरी माह में ये तीसरी बार है जब यहाँ दाम बढ़ाए गए हैं। शहर में महंगाई बेकाबू होती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के बिगड़े बोल सामने आए। उन्होंने चर्चा में मंत्री तुलसी सिलावट के लिए आपत्तिजनक शब्द कह दिया और मंत्री विजय शाह पर विद्या बालन के साथ डिनर के नाम पर तंज कसा। इस पर तुलसी सिलावट ने विधानसभा अध्यक्ष से इन बिगड़े बोल को विलोपित करने का निवेदन किया। मध्य प्रदेश में अब 100 और जगहों पर गरीबों को महज 10 रुपए में खाना मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को 100 नई रसोई का उद्घाटन करेंगे। ये रसोई दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के दूसरे चरण में बनाई गई है। सीएम दोपहर बाद 3 बजे भोपाल के मिंटो हॉल से इन केंद्रों का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री इंदौर, उज्जैन, मुरैना, धार और छतरपुर जिले के रसोई केंद्रों पर कुछ लोगों से बात भी करेंगे। मध्य प्रदेश बजट सत्र के 5वें दिन की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वक्तव्य देंगे। सदन में आज विधानसभा की लोक लेखा, प्राकलन, सरकारी उपक्रम संबंधी, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समितियों का निर्वाचन होगा। अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के सदस्यों को चुना जाएगा। आज के रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। इसी तरह की अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। नमस्कार।